तो दोस्तों अगर आप भी Realme 11 सीरीज यूज करते हैं तो यहाँ पे न्यू अपडेट यहाँ पे रिसेंटली अभी रोल आउट किया गया था। अब ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको यहाँ पे अपने डिवाइस में अपडेट के बाद देखने को मिल रहा है। कई सारी ऐप जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। अब ऐसे में हम बात करने वाले हैं बैटरी के ऊपर। क्यों आपको बताया बैटरी जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम थी इससे पहले वाले वर्जन्स में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बैटरी ड्रेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पे और भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो कि हमको बीटा वर्जन में देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे अपडेट्स जो है यहाँ पे रोल आउट किए गए हैं। अभी रिसेंटली 2 से 3 अपडेट स्टेबल वाले मिले हुए देखने को। अब ऐसे में जो यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन है बैटरी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप Realme 11 सीरीज यूज करते हैं और रिसेंटली आपने अपडेट को कंप्लीट किया हुआ है, जैसा कि आपकी आपको पता है कि एक यहाँ पे न्यू अपडेट रोल आउट किया गया है अभी 2 से 3 दिन के अंदर, और ऐसे में इसको हम थर्ड स्टेबल वर्जन कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड जो है स्टेबल वर्जन रोल आउट किया गया है। देखिए इससे पहले के अपडेट में जो बैटरी की प्रॉब्लम थी उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है टीम ने इस पर कोशिश की है, और कहीं ना कहीं जो बैटरी ड्रेनिंग का है वो उसकी परफॉर्मेंस हमको पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा इन्हेंस देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ठीक ठाक है इसमें। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम पहले जब यूज़ करते थे ना तो उसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कह सकते हैं कि कम रहता था, लेकिन भाई अगर आप अब बिना यूजेस के भी अगर आप चलाएं तो यहाँ पे जो है लगभग आपको 1 वीक या फिर कह सकते हैं 10 दिन का अगर आप स्टैंड बाई में यूज़ करें तो हो सकता है कि इतना आपको बैकअप दे दे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी आप कंटिन्यूटी बना के यूज़ कर रहे हैं तो मे भी ये हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 दिन या मतलब जैसे यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, फिलहाल जो भी हमने यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, हमने डिवाइस को यहाँ पे जो है चार्ज किया हुआ था लगभग, ये देख सकते हैं कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पे अभी कुछ समय पहले चार्ज किया था और 6 से 7 घंटे भी कंप्लीट हो गए हैं, और उसके बाद जो है फुल्ली हमने चार्ज नहीं किया था, खाली 50% हमने डिवाइस को चार्ज किया हुआ था। अब ऐसे में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेटर निकल के आई है भाई, यूजेस ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, और कंटिन्यूटी बना के अगर हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि और भी हमको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। कहीं ना कहीं जो है कई सारे यूजर्स को अभी तक हो सकता है कि ये अपडेट ना मिला हो, लेकिन जिन भी यूजर्स को अपडेट मिल चुका होगा उन्होंने ये चीज़ को फील कर लिया होगा कि हाँ अपडेट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि बैटरी का एक प्रॉब्लम होता है ना हर एक यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, और कहीं ना कहीं टीम इस पर वर्क करने की कोशिश करती है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा बग्स की प्रॉब्लम आती है वो बीटा वर्जन में ही आती है, बट यहाँ पे बैक टू बैक जो है कई सारे यूजर्स को न्यू अपडेट्स जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं। ऐसे में जिन भी यूजर्स को न्यू अपडेट प्रोवाइड करवाए गए हैं उन यूजर्स को जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नया अपडेट के थ्रू बैटरी की परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल कोशिश की गई है टीम की तरफ से। ठीक है, और अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो वेट करना है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सकती है, अब कहीं ना कहीं आपका डिवाइस एक अच्छे लेवल पे जो है अपग्रेड हो सकता है, बिकॉज आपको पता है कि एंड्रॉयड 14 का अभी तक ट्रायल चल रहा था, अब स्टेबल वर्जन भी रोल आउट किया गया है और सारी जो बैटरी ड्रेन है ये सब हो गया, इनकी जो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस वगैरह है टीम इसको अपडेट कर रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कोशिश करे टीम जो है इस पर। ठीक है, तो वेल ये मार्च का अपडेट था, मार्च के अपडेट में टीम ने ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करने की कोशिश की है। ठीक है, वेल आप भी बताइएगा कमेंट में आपको न्यू अपडेट मिला या फिर नहीं मिला, और आपको बैटरी का परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहा है अपने डिवाइस में। तो दोस्तों होपली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।